आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्रिस्पी पकोड़ा मिक्स की रेसिपी। तो इस वीडियो में दो तरह से बनाएंगे हम पकोड़ा मिक्स, एक है पकोड़ा मसाला और एक है पकोड़ा प्रीमिक्स की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहली रेसिपी है पकोड़ा मसाला। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लिया है मैंने 3 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। फिर इसमें डालेंगे साबुत धनिया 3 टेबल स्पून, जिसे मैंने हल्का सा रोस्ट करके मोटा मोटा सा कूट लिया है। इसी के साथ डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबल स्पून, इसे भी मैंने हल्का सा रोस्ट करके दरदरा सा कूट लिया है। अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी 3 टेबल स्पून, इसे हाथों से थोड़ा सा क्रश करके डालें, इससे इसकी बढ़िया खुशबू आती है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें अजवाइन। इसके बाद इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और आधा चम्मच इसमें डालेंगे हींग। इसके बाद इसमें डालेंगे सॉल्ट 1 TSP। सॉल्ट अभी हमने कम डाला है, पकौड़ा बनाते वक्त नमक को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। इन सभी मसालों को फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये हमारा पकौड़ा मसाला बनकर तैयार है। इसे आप किसी ग्लास के कंटेनर में या जार में स्टोर करके 1 महीने के लिए आराम से रख सकते हैं। इसको सिर्फ नमी से बचाना होता है। इस मसाले को बनाकर रखने से एक तो काम आसान हो जाता है, दूसरा इस मसाले का इस्तेमाल करके जब भी आप पकोड़े बनाएंगे तो पकोड़े बहुत लाजवाब, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो इसी मसाले का इस्तेमाल करके अब हम दूसरी रेसिपी तैयार करेंगे और वो है पकोड़ा प्रीमिक्स की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप बेसन, ये वज़न में 250 ग्राम है। अब जो ये मसाला हमने तैयार किया है वो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच भर के, यानी कि 2 TSP। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वरना मीडियम स्पाइसी पकोड़ों के लिए ये काफ़ी है। नमक आपको आपके टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा और डालना होगा। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में इसको डालकर स्टोर करेंगे। इसको 1 महीने तक आसानी से स्टोर करके रखा जा सकता है फ्रीज के बाहर ही। ये पकोड़ा प्रीमिक्स अगर तैयार हो तो पकोड़े बनाना चुटकियों का काम हो जाता है। तो इस रमज़ान इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।